अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान अहमद ओवरी टू कार टूल्स की तरफ से। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो लॉन्च X431 Pro V3.0 की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वो लाजमी देख लीजिएगा। आज जो मैं जिस टूल का बताऊँगा वो उसका लाइट वर्जन है, X431 Pro Lite। और उस टूल के अनबॉक्सिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, ताकि जो आप मेरी वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पे आपको वक्त पे मिलती रहें और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। उसके अलावा इसमें मेरा फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट, व्हाट्सएप, वी चैट, ये सब आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है नीचे, उसको आप किसी भी वक्त हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपने क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी और टूल के मुतालिक पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब मैं आपको इसका प्रो लाइट का अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। इसकी ये इसमें आप देख रहे होंगे लॉन्च की सील होती है, इससे आपको पता लगता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, डीलरशिप आइटम है। इसको मैं इस तरह ओपन करता हूँ और फिर अभी आपको इसके आ गया। इसमें भी ये एक एनवेलप निकलता है जिसमें पेपर्स होते हैं तीन। एक ये पेपर, इसमें सॉफ्टवेयर लिस्ट होती है, जो जो सॉफ्टवेयर इस प्रो लाइट के अंदर मौजूद होगा। और ये सॉफ्टवेयर लिस्ट, इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट हो जाते हैं क्योंकि 3 ईयर्स फ्री अपडेट और 1 ईयर वारंटी वाला आइटम है। उसके बाद ये सेकेंड ये प्रोडक्ट लिस्ट हैं, जो इसमें जो जो कनेक्टर्स आपको मिलेंगे वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कनेक्टर्स होंगे। ये लाजमी इसलिए अनबॉक्सिंग दिखाने का व्यूवर्स आपको मकसद है कि अगर आप ये आइटम परचेज़ करते हैं, हमसे परचेज़ करते हैं, तो आपको ओरिजिनल आइटम मिलेगी क्योंकि हम डीलर हैं पूरे पाकिस्तान में लॉन्च के। ये कि लोकल कहीं आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो वो ये कनेक्टर्स आपको नहीं देते, सिर्फ ये दो चीज़ें ही आपको अक्सर मिल रही होती हैं, तो उसको आपसे पता लग जाता है कि ये डीलरशिप आइटम नहीं है, ओरिजिनल लॉन्च नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पेपर होता है दूसरा, वो ये जिस पे सीरियल नंबर और इस ब्लैक एरिया के पीछे इसका एक्टिवेशन कोड होता है, जो जब मैं भी आपको इसका डेमो दिखाऊंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह उसको रजिस्टर करते हैं। ये दो चीज़ें उस टाइम काम आती हैं, एक सीरियल नंबर और एक एक्टिवेशन कोड। एक्टिवेशन कोड आप यहाँ से इसको कट करते हैं और इसके पीछे से एक्टिवेशन कोड देख लेते हैं। फिर इसके अंदर ये यूज़र मैनुअल गाइड होती है, क्विक स्टार्ट गाइड, ये आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इंशाल्लाह मेरी वीडियो में आपको वो भी मैं दिखाऊँगा डेमो कि किस तरह इसको यूज़ करना है। अब इसमें व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि ये कनेक्टर सेट हैं, ये पूरे कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ये मेन होस्ट है इसकी टैबलेट और ये इसका OBD2 कनेक्टर है जो इसके साथ ही पीछे शेल के लगा हुआ होता है, 16-पिन यूनिवर्सल है। इसमें जो जो कनेक्टर्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि नज़र आ रहा होगा आपको कि ये कनेक्टर्स हैं, इसमें मेन फर्स्ट पे देखें ये प्रो लाइट मेन होस्ट है, ये टैबलेट, उसके बाद DBS CAR4 इसका ये 16-पिन OBD2 कनेक्टर जो आप देख रहे हैं ये। इसके बाद इसमें जो होता है बेंस 38-पिन कनेक्टर, FIAT 3, निसान 16-14, BMW, चेसलर, GM, वेज, होंडा 3-पिन, किया 20, मजदा 17, मिस्टोबिशी होंडाई, टोयोटा 17, टोयोटा 22-पिन, ये मोस्टली पाकिस्तानी गाड़ियों में यूज़ होता है। और इसमें फिर एक अडोप्टर स्विच केबल होती है जो इन अडोप्टर्स को यूज़ करने में काम आती है। उसके बाद इसमें एक डबल क्लंप सिगरेट लाइटर चार्जर एक्सटेंशन केबल जो लाजमी होती है यूज़ करना, फिर एक पिन एनवेलप जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला पिन एनवेलप, ये पिन एनवेलप होता है, इसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, पावर अडोप्टर, इसके चार्जर और इसमें दो किस्म के फ्यूज़ होते हैं। ये जब चीज़ें निकलती हैं अभी मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ। ये आप इसमें कनेक्टर्स देख रहे होंगे, ये सारे इसमें कनेक्टर्स, इनके ऊपर लिखा हुआ भी है होंडा, ट्योटा,
मजडा जेस्लर जी एम टोयोटा 22 किया 20 और इसके अलावा इसमें ये कुछ केबल कनेक्टर्स होते हैं, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये एक्सटेंशन केबल होती है इसकी जो आप देख रहे हैं, ये इस OBD2 के लिए होती है कि आप ये OBD2 मेन जो आपका ग्रिप है इसको इसमें फिट करें और इसको यूज़ करें। ये एक्सटेंशन केबल लाजमी यूज़ करें, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो मेन होस्ट है ये बचा रहता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। पिन वगैरह आपकी डैमेज भी होती है तो वो इस एक्सटेंशन केबल की होती है, और ये एक्सटेंशन केबल हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होती है, आप किसी भी टाइम परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये एक केबल कनेक्टर जो निसान का, ये हुंडई का, इसके अलावा ये जो मैंने अभी लिस्ट में आपको बताया था जिस तरह के ये क्लंप होता है पावर क्लिपर, यूनिवर्सल चार्जर है, किसी भी किस्म की चार्जिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्कशॉप में। इसी तरह इसमें एक और ये सिगरेट लाइटर चार्जर होता है जो सिगरेट लाइटर पोर्ट में लगा के आप गाड़ी के अंदर कुछ भी इसमें अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। ये इसमें जो मैंने लिस्ट में आपको बताया था FR3, ये FR3 का कनेक्टर है। ये इसमें एक मेन स्विच केबल होती है जो ये जितने भी कनेक्टर्स हैं, केबल कनेक्टर्स या डायरेक्ट ये कनेक्टर्स हैं, इनके लिए यूज़ होती है। ये किस तरह लगती है ये मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कोई भी कनेक्टर है उसके आप बैक साइड पे देखेंगे कि ये एक पिन बनी हुई है सीरियल पोर्ट मेल, और ये इस साइड पे फीमेल बनी हुई है। ये इस तरह इसको ज्वाइन करते हैं और यहाँ से इसको स्क्रू इसके टाइट कर देते हैं। उसके बाद ये आपके पिन, ये मैंने इस टाइम जो पकड़ा हुआ हाथ में, ये मर्सिडीज़ बेंज का है। ये पीछे आप फीमेल देख रहे हैं 16 पिन, यहाँ पे आप अपना ये मेन OBD2 ग्रिप लगा देते हैं, या आप एक्सटेंशन केबल के साथ भी लगा सकते हो वैसे भी, क्योंकि ये तो मेन यूज़ होना है। इससे आप ये गाड़ी की आगे पिन में लगा देते हैं। ये जो स्विच केबल है ये हर कनेक्टर के लिए मस्ट यूज़ होगी, जब भी आप ये कोई भी इसमें कनेक्टर, इवन ये केबल कनेक्टर भी देखेंगे तो आपको ये देख रहे हैं इसकी बैक साइड पर ये मेल कनेक्टर बना हुआ है, इसके अंदर ये फीमेल लगेगा और आप इस तरह इसका स्क्रू टाइट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसमें ये अनबॉक्सिंग बताने का मकसद मेरा यही है कि आप कोई भी जो हमारे से परचेज़ करेंगे डीलरशिप आइटम है ये, आपको ये कनेक्टर सारे मिलेंगे और इसमें गारंटी होगी कि ये 3 ईयर्स फ्री अपडेट इसमें प्रोडक्ट में होगी। व्यूअर्स, ये आपको मैंने इसकी अनबॉक्सिंग बता दी है। इसके अलावा भी हमारे पास सब टूल्स अवेलेबल होते हैं, की प्रोग्रामर, ECU प्रोग्रामर्स और IC प्रोग्रामर्स वगैरह, एयरबैग रीसेट टूल, ये सब अवेलेबल हैं। आपको मेरी वीडियोस में नीचे लिंक मिल जाएगा, और बार बार मैं ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो वीडियोस हैं हमारी वो बरवक्त मिल सकें और आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी जो भी अपलोड होंगी और आपको उनसे बहुत फ़ायदा होगा। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो भी अभी अनबॉक्सिंग की इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो के बाद मैं इस प्रोडक्ट का आपको नेक्स्ट वीडियो में डेमो दिखाता हूँ, और डेमो पे जाने से पहले एज़ यूजुअल आप मेरा पेज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक कर दें। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीचैट, ये सब लिंक आ रहे हैं मेरे नीचे और कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, कभी भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, और कोई किसी भी किस्म का आपको स्कैनर्स के मतलब, प्रोग्रामर्स के मतलब कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।